नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। बामौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद बामौर द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक भूमिहीनों को फूलपुर रोड पर जगह चिन्हित करते हुए कर्मचारियों ने नप्ती कराई। इस अवसर पर नगर परिषद उपयंत्री ऐश्वर्य गोयल, नीरज मेटले, ज्ञानदीप तथा नंद किशोर आदि कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर परिषद CMO सिया राम शरण यादव ने बताया कि वे शीघ्र ही लॉटरी सिस्टम द्वारा भूमिहीनों को जगह आवंटित कर शासन की योजनाओं के तहत मकान बनवाने के लिए उनके खाते में 1 लाख रुपये की राशि देंगे। ज्ञापन देने वालों में राजू खटीक, विनोद खटीक। अरे, फूलपुर में भूमिहीनों के लिए पट्टे आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कितने लोगों के लिए ये जगह दी जा रही है? प्रधानमंत्री आवास शासन की महत्वपूर्ण योजना है और प्रधानमंत्री आवास से समीक्षा गहन परीक्षण चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और समय समय पर आवंटन करते रहते हैं। उसकी प्रक्रिया में नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायतें सभी लगी हुई हैं। उसी क्रम में हमारी नगर परिषद बामौर अभी TL मीटिंग में कलेक्टर साहब ने समीक्षा की है और कलेक्टर साहब का विशेष अब इन गरीब मजदूर बेसारा जिन किराएदार जो रहते हैं शहरों में, ऐसे लोगों को यदि वो भूमिहीन हैं और उनके पास प्रधानमंत्री आवास या मकान नहीं है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधाएं दी जाए। उसी क्रम में हमारे यहाँ 33 अभी किराएदार थे जो किराए पर रहते हैं, उनकी DPR थी, वो DPR हमारी ये 33 मकान या जियो टैगिंग कल हो जाएगी। आज इनकी प्लाटिंग हो रही है, उपयंत्री भी करा रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। उसके बाद इनकी PPO होकर के इनके खाते में पैसे चले जाएंगे और 33 लोगों की जो पेंडेंसी है कलेक्टर महोदय ने जो समीक्षा की है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये आवंटन प्रक्रिया या लॉटरी सिस्टम कब किया जाएगा? ये नोटरी सिस्टम कल इसकी जियो टैगिंग हो जाएगी और कल या परसों में इसकी नोटरी सिस्टम हो जाएगा और PPO में सोमवार तक इनका पैसा इनके खाते में 1-1 लाख रुपए जो प्रथम किस्त हमारी बनती है वो इन हितग्राहियों को डाल दी जाएगी। दूसरा, हम आपके मीडिया के माध्यम से नगर के लोगों को ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब के विशेष नजरानी है प्रधानमंत्री आवास पे और बिल्कुल बारीकी से वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नगर के जिले के जितने भी CMO हैं उनको और CO को सभी को वो बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में कोई भी गरीब हितग्राही छूट न जाए और यदि वो पेंडिंग है, उसका काम नहीं हो पाया है, उसकी किस्त नहीं गई है तो समय पे उसकी किस्त दी जाए। यदि उसके बाद भी वो व्यक्ति काम नहीं करता है या नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, FIR लॉन्च कराई जाए, उससे पैसा वसूली की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है। इसलिए हम चैनल के माध्यम से नगर के बामौर के नगरवासियों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं आवेदन के माध्यम से और उनके खाते में प्रथम किस्त डाल दी गई है और उन्होंने यदि काम नहीं लगाया है तो मैं उनसे एक बार मीडिया के माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा कि वो अपना कार्य शीघ्र अतिशीघ्र लगा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित होना संभावित है। जी, जो आवंटन दी जा रही है, जो जगह दी जा रही है, उसमें कितने बाई कितने का प्लाट है? ये हमारा 15x30 15x30